नमस्कार। अभी तक तिगंत प्रकरण चल रहा है हमारा। तिगंत प्रकरण की धातुएं हम कुछ कर चुके हैं, भू है, अध है, हू है, दिव। तो आज हम करेंगे शूय धातु। शूय धातु ये अपने मूल रूप में है, इसका जो परिवर्तित रूप है वो है सु। सु धातु से ही हम रूप चलाएंगे। लट लकार सामने आप देख रहे हैं। सुनोती सुनुतः सुनवंती, सुनोषी सुनुतः सुनुत, सुनोमी सुनवह, सुनुवह सुनमह सुनमह। तो इस तरह से उत्तम पुरुष के द्विवचन बहुवचन में विकल्प हैं, दो दो रूप हैं, बाकी सब एक एक हैं। तो सुनोती देखेंगे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पहला सूत्र वर्तमाने लट, वर्तमान काल की विवक्षा में सु धातु से लट लकार। आप देखिए कि लट लकार का ये ही सूत्र हम सब में लगाते आए हैं, चाहे धातु कोई भी हो। ये आपको पहले भी बार बार बता चुकी हूँ कि लकार का पहला सूत्र आप सभी में एक जैसा लगाओगे। कोई भी लकार है, लट लकार का पहला सूत्र, लिट का, लोट का, जो भी है, तो धातु कोई भी हो सकती है। तो वर्तमान काल की विवक्षा में सु से लट हो गया। मैंने इसे डिटेल नहीं लिखा है, बार बार बताऊँ कि मैंने बहुत बार इन चीजों को बता दिया है, तो अब आप इसे पूरे डिटेल से करेंगे। चलिए आगे है तिप्तस जी सूत्र आ जाएगा, तो उससे लट के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन का तिप प्रत्यय, तिप से ती शेष रहेगा, प की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोपे से लोप हो जाता है। सु आपकी धातु है और ती है। अब तिप की सार्वधातुक संज्ञा कर दोगे आप तिंक्षित सार्वधातुकम से, तिप की सार्वधातुक संज्ञा। जब तिप की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है तो जैसे पहले अपने देखते आए हैं कर्तृ शब्द आता है, कर्तृ शब्द से शब्द की प्राप्ति होती है धातु से परे, क्योंकि परे सार्वधातुक तिप प्रत्यय है, इसलिए कर्तृ शब्द से शब्द की प्राप्ति होती है। लेकिन यहां इसका बाद हो जाता है, क्योंकि सु धातु में शब्द ना आकर के स्नु का आगम होता है, जिसका सूत्र है स्वादिभ्य स्नो। स्वादिगण की जितनी भी धातुएं हैं उसमें तिप के परे रहते, सार्वधातुक तिप के परे रहते, धातु से परे स्नो का आगम। अब आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हमने देखिए आगे भी दिव धातु पढ़ा, जैसे उसमें भी दिवादिभ्य शयन से जो है शयन का आगम हुआ, जुहोत्यादिभ्य श्लू से शप का श्लू हुआ था। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये जो बीच में विकर्ण आते हैं ये थोड़े से अलग होते हैं हर एक धातु के, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सु धातु में स्नु होगा, शप नहीं, लेकिन हमें शप को एक बार दिखाना पड़ेगा कि यहाँ शप का आगम हो रहा है, लेकिन उसका बाद अग्रिम सूत्र कर देता है। तो ये पूरा हमें डिटेल में लिखना है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है क्योंकि पहले बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आप घर पे इसे डिटेल में ही करेंगे। स्नु का आगम हो गया, सु के बाद स्नु और फिर ती। स्नु में देखिए अब श है, श की लशक्व तदिते सित संज्ञा तस्य लोपे से लोप होकर के नु शेष बचेगा, सु नु ती। अब यहाँ देखिए आप सु है, सु के उ को वैसे चाहिए क्योंकि स्नु सार्वधातुक प्रत्यय है, तिंक्षित सार्वधातुकम से नु की सार्वधातुक स्नु की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी क्योंकि ये शित है इसलिए। लेकिन शित होने के साथ साथ, सार्वधातुक होने के साथ साथ ये अपित है। जो भी कोई सार्वधातुक हो साथ में अपित हो तो फिर उसे गित के समान मान लिया जाता है और धातु को फिर गुण या वृद्धि नहीं होते। किंगति च सूत्र एक है लघु सिद्धांत कौमुदी में जो कि गुण और वृद्धि का निषेध कर देता है। तो यहाँ पे वही सेम स्थिति बनी है, स्नु हमारा सार्वधातुक तो है, देखिए मैंने लिख दिया है थोड़ा सा इसे, लेकिन अपित है। अपित कैसे है, क्योंकि इसमें प ही नहीं है, प होता फिर उसकी संज्ञा होती तो ये पित होता, तो ये पित नहीं है यानी अपित है, लेकिन सार्वधातुक है। तो एक सार्वधातुक हम अपित सूत्र है वो इसको गित के समान मान लेगा, नु को गित के समान मान लिया जाएगा। और जब नु गित के समान होगा तो किंगति च जो सु को गुण प्राप्त हो रहा है यहाँ उसका निषेध कर देगा। तो मैंने पूरे सूत्र ना लिखकर इसे इतना लिखा है, इतना ही पर्याप्त है, भले ही आप इतना ही लिखें तो सु के को गुण नहीं होगा, उसका निषेध हो गया।
चलिए आगे नु के परे तिप है, तिप कैसा है, तिप सार्वधातुक भी है और पित भी है, तो यहाँ नु के गुण को यानी नु के ऊ को जो गुण मिल रहा है वो हो जाएगा। लेकिन गुण हम किससे करेंगे, गुण हम उसी सूत्र से करेंगे जिससे करते आए हैं पहले, सार्वधातुक कार्धातुक, क्यों सूत्र से क्या होगा, नु के ऊ को गुण, क्योंकि परे सार्वधातुक तिप है इसलिए सु नो ती, सु नु ती था, नु के ऊ को गुण होके नो हो गया और सुनोती रूप बन गया हमारा। सुनोती रूप बनने के बाद, सुनोती रूप इस तरह से सिद्ध हुआ हमारा। आगे है सुनुत है, प्रथम पुरुष द्विवचन, सुध हतु है वही लट लकार पहले करेंगे और द्विवचन का प्रत्यय लग जाएगा तस, सु और तस, फिर स्नु का आगम हो जाएगा शप का विरोध करके, सु नु तस। अब यहाँ देखिए आप सुनु तस सीधे जुड़ जाएंगे, यहाँ नु के ऊ को गुण नहीं हुआ, सुनोती में हुआ या नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि तस प्रत्यय सार्वधातुक परे है। लेकिन कैसा है तस प्रत्यय सार्वधातुक परे, अपित है, ये पित नहीं है, तस में प है ही नहीं तो ये अपित है, इसलिए नु के ऊ के ऊ को भी गुण का निषेध हो गया जैसे सु के ऊ को हुआ था, तो नहीं होगा तो ये ऐसे का ऐसे जुड़ जाएगा सुनुतस, सुनुतस स की विसर्गे हो जाएंगी, वही पांच सूत्र आपके सुप्तिगंतम पदम से लेके खर विसाने और विसर्जनीय तक, सुप्तिगंतम पदम स सजशरु उपदेश यजुनासिक इत विरामो अवसानम खर विसाने और विसर्जनीय, बार बार वही सूत्र रिपीट हो रहे हैं, सुनुतः बन जाएगा इस तरह। चलिए आगे है बहुवचन सुनवंती, लट लकार में फिर झी प्रत्यय लगाएंगे बहुवचन का, सु श्नु का नु बच गया और झी को अंति आदेश झो अंत से, ये भी आप बहुत बार कर चुके हो झो अंत सूत्र, तो सु नु अंति इतने तक हो गया। चलिए अब है हुष्णु वो सार्व धातु के, हालांकि ये सूत्र आप हु धातु में पढ़ चुके हो थोड़ा ध्यान हो तो आजादी सार्व धातुक परे होने पर ये शर्त होनी चाहिए इसमें, अंति है परे, अंति कैसा है हमारा आजादी, आजादी का मतलब अच है जिसके आदि में, अच मतलब कोई भी स्वर जिसके आदि में हो, तो अंति में अ है आदि में, और वो सार्वधातुक भी होना चाहिए, अंति सार्वधातुक भी है क्योंकि इससे पहले यहाँ झी था, झी सार्वधातुक था, झी के स्थान पर अंति हुआ है तो झी के गुण इसको मिल जाएंगे, वो सार्वधातुक था तो इसको भी सार्वधातुक ही माना जाएगा, और आजादी ये है ही अच है इसके आदि में, तो आजादी सार्वधातुक अंति पर है इसलिए नू के ऊ को यण हो जाएगा। अब ऊ को यण क्या होता है, ऊ को यण हमेशा वकार होता है, ये आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, ठीक है, इको यन अच्छी संधि में इक को यन जो किया था, ई को य, ऊ को व, री को र और री को ल, तो नू के ऊ को निकाल देंगे न हलंत बच जाएगा, ऊ को वकार कर दिया व हलंत फिर अंति, अब जोड़ेंगे इसको सु न हलंत, उसके परे कोई स्वर नहीं है तो न हलंत रह जाएगा आधा रह जाएगा और व में अ जुड़ के वंती सुनवंती बन जाएगा। चलिए आगे है सुनोशी मध्यम पुरुष एक वचन, सु से लट लट के स्थान पर सिप, सिप से बचा सी, प वही आपके तिप की तरह इत्संज्ञक है तो लोप हो जाएगा इसका, स्नु का आगम हो जाएगा, स्नु से नु बचेगा सु नु सी। अब नु के ऊ को ओ कर दोगे जैसे आपने सुनोती में किया, क्यों, क्योंकि सिप भी यहाँ कैसा है, पित है, अपित नहीं है ये, और सार्वधातुक भी है और पित भी है तो वही सार्वधातुक अर्धातु के सूत्र आपका लग जाएगा, यहाँ नु के ऊ को गुण हो जाएगा, नो सु नो सी तक बन जाएगा। अब स को श करना है, स को श आप किससे करोगे, आदेश प्रत्यय, आदेश प्रत्यय सूत्र से स्कार को शकार हो जाता है तो स्कार को शकार कर दोगे सुनोशी बन जाएगा। आगे है सुनुत है, सु नु श्नु का हो गया आपका और प्रत्यय मध्यम पुरुष द्विवचन का थस होता है, बहुत बार कर चुके हो ये सारे प्रत्यय, अब तो याद हो गए होंगे आपको, सु औजस समोटस ये तिप्तस जी सिप्थस थ मिपस मस सारे याद हो गए होंगे, तो सु नु और थस प्रत्यय लग गया, थस
जुड़ गया साथ में। अब देखिए थस सार्वधातु का है लेकिन अपित है तो नु को गुण तो होगा ही नहीं, सुनु थस हो जाएगा जैसे सुनु तस हुआ था ऊपर, और स को वही पांच सूत्र विसर्ग करने के सुनु था हो जाएगा। आगे है सुनुथ, मध्यम पुरुष बहुवचन, बहुवचन का प्रत्यय लगाएंगे, बहुवचन का प्रत्यय थ है, तो सु धातु है हमारी, श्नु का आगम होगा, श्नु से नु बचेगा और थ प्रत्यय जुड़ जाएगा इसके साथ। थ सार्वधातुक है, अपित है, ठीक है, ये भी पित नहीं है तो गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा, सुनुत बन जाएगा। चलिए आगे सुनोमी, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में सुनोमी, सु है, श्नु का नु और मिप का मी। अब इसमें भी हमारे प की संज्ञा लोप हो जाएगा, सुनोमी हो गया। सुनोमी में आप देखिए ये भी वही वैसा सेम सुनोती, सुनोशी, सुनोमी, जितने भी ये एक वचन हैं, प्रथम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन और उत्तम पुरुष का एक वचन बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ नू को गुण हुआ, यहाँ क्यों मिप है परे, मिप में प है, प देखिए आपका इत्संज्ञक है, ये पित है, सार्वधातुक भी है और पित भी है, दोनों है, इसलिए यहाँ भी आपने नू के ऊ को गुण ओ कर दिया सार्वधातुक अर्धातुक क्यों सूत्र से, बिल्कुल सेम है सुनोमी। चलिए आगे सुनवह, सुनुवह दो बनेंगे यहाँ, उत्तम पुरुष का ये द्विवचन, उत्तम पुरुष के द्विवचन का प्रत्यय है वस, तो सु आपकी धातु होगी, नु श्नु से आ गया और वस आपका प्रत्यय हो गया। मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, आप डिटेल में जाएंगे पूरे अच्छे से लिखेंगे, पहले वर्तमाने लट से शुरू करेंगे, तिप्तस जी से शुरू करेंगे, तिंक्षित सार्वधातुकम संज्ञा करेंगे, कर्तृशब्द का आगम दिखाएंगे, फिर उसका बाद दिखाएंगे, फिर श्नु के आगम का सूत्र दिखाएंगे स्वादिभ्य श्नु, फिर श का लोप दिखाएंगे उससे नु बचाएंगे, तब जाकर के सुनु और वस तक की स्थिति बनेगी। सुनु और वस, अब वस भी देखिए आपका पित नहीं है, गुण नहीं होगा, सीधा जुड़ जाएगा सुनु वस, स को विसर्ग करने के वही आपके पांच सूत्र विसर्ग कर दोगे, सुनु वह बन जाएगा। अब देखिए सुनु वह तो बना लिया आपने, अब देखने हमने सुन वह, यानी अगर हम न के ऊ को लोप कर दें, उसके लिए नेक्स्ट सूत्र है विकल्प से लोप होता है जो, लोपश अस्या अन्यत्र श्याम मवो, मवो म है ये यादा, म या व परे होने पर, यहाँ पर व परे है तो क्या होता है लोप, लोप हो जाता है, अन्यत्र श्याम का मतलब क्या होता है विकल्प से लोप हो जाता है, किसके नू के उकार का, तो यहाँ वकार परे है और नू का उकार भी है हमारे पास, दोनों बातें हैं, तो उकार का विकल्प से लोप कर देंगे, लोप कर दिया चलिए, तो न हलंत बच गया, हलंत बच करके सुनवह बन गया। अब देखिए ये जो लोप है वो विकल्प से होता है, जहाँ ये लोप नहीं होगा वहाँ पर सुनवह रूप ही रहेगा पहले वाला ही, तो इस तरह से ये दो रूप बन जाएंगे। ये था हमारा द्विवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन में सुनु में है और सुन में है। अब अंतर क्या है, सिर्फ व और म का, क्योंकि वहाँ वस प्रत्यय है यहाँ मस है, यानी सु नु वस की जगह आपका हो जाएगा मस, बहुवचन में मिल जाएंगे, फिर स को विसर्गे कर दोगे सुनु में है हो जाएगा ऊपर सेम जैसे किया है, और फिर नकार का नुम के उकार का विकल्प से आप लोप कर दोगे, लोपश्य अन्यत्र श्याम मवो, वहाँ वकार परे था यहाँ मस का मकार परे है, तो मकार परे होने पर भी ये सूत्र लगता है जो विकल्प से लोप करता है नू के ऊ का, तो विकल्प से लोप कर दोगे सुनमह बन जाएगा, अगर नहीं तो फिर सुनमह, तो इस प्रकार हमारा ये लट लकार पूरा होता है। कल हम इसी धातु का लिट लकार और लोट लकार दो कर लेंगे इकट्ठे, क्योंकि अभी आपने आज लट लकार में जो भी श्नु का आगम हुआ है जैसे नया जो भी कुछ है वो आज आपने सीख लिया है, इसको आप पूरी तरह से पहले रजिस्टर वर्क कर लेना तो आपका लिट लकार और लोट लकार बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।